इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच नो बॉल पर फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे, यह लगभग असंभव का लक्ष्य था। दिल्ली की उम्मीदें रोमन पावेल की बल्लेबाजी ने परवान चढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने ओवर की पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। तीसरी गेंद एक हाई फुल टॉस थी, लेकिन मैदानी अंपायर ने फैसला किया कि यह कमर से नीचे थी। इसके बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने जो किया उसे देखकर क्रिकेट के कई जानकार काफी हैरान हैं। ऋषभ पंत के बर्ताव से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी नाराज दिखे। उन्होंने एक सहायक कोच को मैदान पर भेजने के पंत के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आधिकारिक प्रसारणकर्ता से कहा, इससे उनकी एकाग्रता भंग हुई होगी। खेल को लेकर ऋषभ पंत की सोच पर इससे फर्क पड़ा होगा। मेरे लिए अंपायर के फैसले से ज्यादा परेशान करने वाली बात पंत का व्यवहार रहा।